गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हैं डिटो टेक्निकल विद अतुल। तो गाइस आज की हमारी वीडियो होने वाली है एचपी हार्डवेयर डायग्नोस्टिक यूईएफआई। जो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम दिखा रही होगी आपको, इस तरीके से ये आपको प्रॉब्लम दिखा देता हूँ। ये प्रॉब्लम बेसिकली हार्ड ड्राइव से रिलेटेड है, जो आपको हार्ड ड्राइव दी जाएगी। अब इसमें दो तीन स्टेप बताऊँगा मैं आपको, जो उस तरीके से करिएगा उस तरीके से सोल्व हो जाएगा। 99% आपको सोल्व हो जाएगा। तो गाइस वीडियो में बने रहिए, अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो, क्योंकि हमें सब्सक्राइब कर लेना ताकि हम ऐसी नई नई वीडियो बनाते रहते हैं आपके लिए, जो पीसी से जो भी प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व करने के लिए। बेसिकली सॉल्व ही हो जाती है हार्डवेयर प्रॉब्लम ना हो तो, देखिए अगर डैमेज ना हो तो हो जाती है हर चीज़ सॉल्व। वैसे हमारे साथ बने रहिए, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ताकि ऐसे ही फ्यूचर में आपके पास वीडियोस आती रहे। तो बस चलते हैं, बनाते हैं, हम आगे दिखाते हैं आपको इसको सॉल्व कैसे करना है। मैं दो से तीन स्टेप बताऊंगा आपको, वो ट्राई करना है पहले, वो ट्राई करने के बाद फिर आपको एक लास्ट स्टेप बताऊंगा, वो प्रॉब्लम से आपका सॉल्व हो ही जाएगा। तो गाइस देखते रहिए आप और बने रहिए। तो गाइस आप देख सकते हैं आपकी बेसिक प्रॉब्लम आ रही होगी, यहाँ पे शायद अपना माउस भी काम नहीं कर रहा, यहाँ पे माउस काम नहीं करेगा तो हम बटन से यूज़ करते हैं। देखते हैं पहले, हम एक बार एग्ज़िट करके देखते हैं, अगर एग्ज़िट करने पर हो जाता है तो ठीक है, वरना आगे चलेंगे। बस एग्ज़िट करते हैं, एग्ज़िट करने के बाद क्या आता है देखते हैं। ये कुछ ऐसा ही लिखा हुआ आ रहा है, इसको प्रोसेस होने देते हैं। वैसे प्रोसेस हो रहा है, नहीं हुआ एग्जिट करने के बाद तो हम एक बार मेमोरी टेस्ट कर लेते हैं, स्टार्टिंग मेमोरी टेस्ट। ये 9 मिनट कुछ 45 सेकंड दिखा रहा है, ये प्रोसेस लेगा, ये टाइम होगा। तो वैसे आप मेमोरी टेस्ट भी कर सकते हैं, मेमोरी टेस्ट करने के बाद उसके रुकिएगा, वेट करिएगा, थोड़ा वेट करने के बाद जो भी होगा देख लेना। 9 मिनट 39 सेकंड दिखा रहा है मेरे पास, 38 हम इसके वैसे इसका आप इसका पूरा वेट करना, हम इसका वेट नहीं कर रहे अभी, हमें पता है क्या प्रॉब्लम है। तो आप पूरा वेट करिएगा तो आपके पास प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी वैसे। और हार्ड ड्राइव चेक, और आप एक चीज़ भी कर सकते हैं, हार्ड ड्राइव भी चेक कर सकते हैं, क्यूक चेक एंड एक्सटेंसिव चेक। तो हम एक्सटेंसिव चेक कर लेते हैं एक बार, मैं उससे भी कुछ नहीं हुआ। तो गाइस हम तीनों सारे ऑप्शन कर लिए हमने, हमारा इससे कुछ नहीं हुआ। तो अब हमें सीपीयू ऑन करना है, सीपीयू ऑन करके फिर देखते हैं क्या करूँगा। तो गाइस हम चलते हैं सीपीयू के पास, ये हमारा सीपीयू है, हमने इसको ऑन कर रखा था पहले से ही, ये हमारा सीपीयू ऑन है। तो आप देख सकते हैं सीपीयू ऑन पड़ा है पूरा। अब सीपीयू में क्या प्रॉब्लम है मैं बता देता हूँ, पहले आपको ये चेक कर लेना है टाइटल में, सेल चेक कर लेना, सेल चेक कर लेना। हमारा ये वायर निकला हुआ है जो इस जगह लगता है, इस जगह ये खाली पड़ा, ये निकल गया या फिर लूज हो जाता है या निकल जाता है, तो इस वजह से आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो गाइस हम उसको लगाते हैं फिर आपको दिखाते हैं चलाते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं ये कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ रही है, हम देखते हैं, हम एग्ज़िट करेंगे इसको, एग्ज़िट कर, यस ऐसा कुछ स्टार्टर मेन्यू होगा जो कंटिन्यू बूट ऑप्शन है आ रहा है, उस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद ब्लैक स्क्रीन हो जाएगी थोड़ी देर से, जो आप देख सकते हैं ये कुछ लोड ले रहा है, देख रहा है थोड़ा,
सर्च कर रहा है, फिर से सर्च करना देते जब तक हम वेट कर रहे हैं सर्च करने का। सर्च करेगा जब तक हम देते हो देखते रहते हैं। ये एग्जिटिंग टाइम बूट है जैसे गाइस, कंटिन्यू बूट करने के बाद भी शायद लग नहीं रहा कुछ होगा, तो हमें वापस इसी जगह ला दिया है। तो हम एक बार वापस स्टार्टअप में हमें टेस्ट कर लेते हैं एक बार। ये हमें 9:45 दिखा रहा है, हमें या तो इसके लिए वेट करना है, हमें पहले इसका वेट करना है। मैं इसका वेट नहीं करूँगा, आपको वेट करना होगा पूरा टाइम तक, क्योंकि मुझे मैंने देख लिया मेरी प्रॉब्लम वो थी कि मैंने वो नहीं लगा रखा था जो हार्ड ड्राइव में केबल यूज़ थी उस चक्कर में। तो मुझे कुछ नहीं करना, मैं करूँगा यहाँ से एग्ज़िट। यस, वो वापस आ गया कंटिन्यू बूट ऑप्शन पे। शायद मुझे ऐसा लग रहा है पावर ऑफ करना पड़ेगा मुझे, मैं पावर ऑफ करता हूँ इसको, बटन को दबाए रखना है, रिस्टार्ट करना पड़ेगा। रिस्टार्ट करने के लिए इसको बटन को दबा के रखना है जब तक इसकी लाइट ना चली जाए पूरी। लाइट जाने के बाद ये शट डाउन हो चुका है। अपना सीपीयू शट डाउन हो गया, शट डाउन होने के बाद वापस क्लिक करेंगे, वापस स्टार्ट कर देंगे, ये स्टार्ट हो रहा है। तो वैसे आप देख सकते हैं ये स्टार्ट हो रहा है अभी। अब देखते हैं वही प्रॉब्लम वापस होती है तो कुछ और करना होगा, अगर नहीं होगी तो गाइस हमारा पीसी ठीक हो चुका है। तो गाइस देखिए हमारा पीसी ठीक होने जा रहा है, जहाँ तक लग रहा है मुझे ठीक होना चाहिए इस बार। तो गाइस देख सकते हैं इस बार हमारा पीसी ठीक हो जाए। तो गाइस वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तो गाइस आई होप कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई होगी। तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है तो हमारे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ऐसी नई वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। तो बाय गाइस, मिलते हैं नई वीडियो में नेक्स्ट टाइम।